Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Now students, solve karte hain problems on relation and functions, class 12th maths. So students, there is a problem, let R be a relation on N defined by R A comma B such that A is a factor of B. Then show that R is reflexive and transitive but not symmetric. So ab students, isme natural number jo ek set hai wo natural numbers ka set hai, yani A is equal to set of natural numbers. अब इसमें से स्टूडेंट्स हम कोई भी नंबर ले लें, सपोज़ करिए कि हमने एक नंबर ए ले लिया जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेट ए बिलोंग्स टू एन, या हम ये कह सकते हैं कि टू बिलोंग्स टू एन. अब स्टूडेंट्स, क्या कोई भी नंबर स्वयं का फैक्टर होता है? तो यस, बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक्स रिलेटेड टू एक्स या एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए. तो यहाँ पर ए की जगह पे आ जाएगा एन. अब स्टूडेंट्स, टू इज अ फैक्टर ऑफ टू, सो इसलिए क्या होगा, टू रिलेटेड टू टू ये आ जाएगा स्टूडेंट. सो आर इज रिफ्लेक्सिव, टू रिलेटेड टू टू, या हम ये इसको ये कह सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर यहाँ पे हम ये माने कि ए बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, तो इनमें से कोई एक आप दे सकते हैं. यहाँ पे ये समझिए, चूँकि हमने कल आपको डेफिनेशन में ये बताया था कि कोई भी फंक्शन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब वो स्वयं से रिलेटेड होता है. तो यहाँ पर डेफिनीशन की दी कि ए कॉमा बी, ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, तो टू इज़ अ फैक्टर ऑफ टू, सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. तो ये स्टूडेंट्स रिलेक्शन क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया. अब बात करते हैं सिमेट्रिक की. तो अब स्टूडेंट्स मान लीजिए, हम ये मानते हैं, पहले हम आपको नंबर से समझाते हैं. सपोज करिए हमने टू और फोर ये दो नंबर ले लिए जो बिलोंग्स करते हैं एन को. अब स्टूडेंट्स क्या है, टू इज अ फैक्टर ऑफ फोर. तो स्टूडेंट्स, टू तो फैक्टर है फोर का, लेकिन क्या फोर जो है वो टू का फैक्टर है, ये आपको सोचना है. तो टू इज अ फैक्टर ऑफ फोर बट फोर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ टू. यानी इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि अगर हम यहाँ माने ए बी बिलोंग्स टू एन, नंबर की जगह पे नंबर इसलिए आपको ले रहे हैं कि नंबर से आपको अच्छे समझ में आएगा. अब ए बी बिलोंग्स टू एन, तो इसका मतलब है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हो जाएगा स्टूडेंट. क्या इससे आपको बी ए बिलोंग्स टू आर फाइंड हो रहा है? अगर हो रहा है तो हम लिखेंगे, अदरवाइज तो ये है ए बी बिलोंग्स टू आर. ठीक है, ये इससे हमें ये चीज़ फाइंड नहीं हो रही है. तो ये चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ऐसे इसको लिख दीजिए, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर. चूंकि रिलेशन क्या है स्टूडेंट, ये रिलेशन है, ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी. तो अगर ये फैक्टर है तो ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा. अब चूंकि बी ए, तो बी ए का फैक्टर नहीं है, तो ए बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर. ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक. ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कि आर सिमेट्रिक नहीं होगा. अब चलिए बात करते हैं ट्रांसटिव की. तो ट्रांसटिव में मान लीजिए हमने ये नंबर ले लेंगे, टू ले लें और फोर और एट, ये हमने तीन नंबर ले लिए स्टूडेंट्स.
अब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 और 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। इधर देखिए इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 एंड 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। तो इन दोनों से स्टूडेंट्स क्या हमें फाइंड हो गया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। अब देखिए डेफिनेशन क्या थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो आपको फाइंड क्या होता था ए सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब है ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी और बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है बी इज़ अ फैक्टर ऑफ आर, वो बी इज़ अ फैक्टर ऑफ सी। तो जब ए बी का फैक्टर है बी सी का फैक्टर है तो ए सी का फैक्टर होना चाहिए। तो ये इसका फैक्टर है, वो हमने नंबर से लेके आपको दिखा दिया कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4 एंड 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, देन वी विल फाइंड 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। सो स्टूडेंट्स आर इज ट्रांसटिव, क्या हो गया ये ट्रांसटिव हो गया। तो अगर स्टूडेंट्स कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव अगर तीनों होता है तो हम उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछे इज इट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आंसर होगा स्टूडेंट्स नो, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन, बाकी तीनों रिलेशन इसमें हैं। अब स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट एन बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एन बाई एन सच दैट ए बी रिलेटेड टू सी डी इक्वल टू ए प्लस डी और बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब है फर्स्ट और फोर का सम, और बी सी यहाँ पर देखिए ए डी आया है, तो फर्स्ट और फोर का सम इक्वल टू सेकेंड और थर्ड का सम, ये चीज़ याद रखना है आपको। अब इसके सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स क्या है, इसमें देखिए ये हो जाएगा ए बी, चूँकि यहाँ पेयर में है तो ए बी रिलेटेड टू ए बी, ए बी रिलेटेड टू ए बी। अब स्टूडेंट देखिए फर्स्ट और फोर का सम, तो ये फर्स्ट और फोर, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू, अब यहाँ पर सेकेंड और थर्ड बी प्लस ए, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो ये हमें पता है कि वी नो दैट बाय द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सम ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो ये दोनों स्टूडेंट्स इक्वल आ गए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या होगा स्टूडेंट्स आपका रिफ्लेक्सिव, आपको बस डेफिनेशन याद रखनी है। फिर इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में स्टूडेंट्स दो आते हैं, ए बी आएगा और फिर सी डी। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी। तो अब ए बी रिलेटेड टू सी डी से स्टूडेंट्स अपन को क्या मिलेगा, इससे हमें जो फाइंड होगा वो हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। देखिए फर्स्ट और फोर का सम, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ, ए प्लस डी और बी प्लस सी। अब स्टूडेंट्स ए प्लस डी और बी प्लस सी जो हमें मिला है, तो क्या इसको हम रिवर्स करके लिख सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा कि हम इसको लिख सकते बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये फर्स्ट और ये बी प्लस सी, तो हम बी प्लस सी को लिख सकते सी प्लस बी, सी प्लस बी, और ये हमारा ए प्लस डी ऐसे ही रहेगा। क्योंकि इससे हमें लाना क्या है स्टूडेंट्स, ए बी रिलेटेड टू सी डी से हमें जो लाना है वो हमें ये लाना है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी, ये हमें फाइंड करना है, इससे इसको फाइंड करना है। तो अब इसमें चूँकि फर्स्ट और फोर, तो देखिए क्या मिला सी कॉमा डी, फर्स्ट और फोर रिलेटेड टू सेकेंड और थर्ड, तो ये आ जाएगा बी ए बी, सी सी और डी,
और बी और ए आ जाएगा, तो हम इसको ए बी लिख देंगे, क्योंकि इसमें देखिए ए फर्स्ट फोर और बी प्लस ए सेकंड और ये आएगा, तो ये हो जाएगा बी ए, और बाद में हम इसको लिख देंगे सी डी रिलेटेड टू ए बी, क्योंकि ये इसका और इसका सम सेकंड और थर्ड, तो सेकंड ये है थर्ड ये है, तो ये स्टूडेंट इस तरीके से आ जाएगा। या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे करके लिख दीजिए सी डी रिलेटेड टू ए बी, इससे ये हो गया फर्स्ट और फोर, तो आ गया सी प्लस बी, और ये हो जाएगा डी प्लस ए, इस तरीके से आ जाएगा। तो जब हमने इसको सी प्लस बी लिखा था, ठीक है, तो क्योंकि बी तो आएगा ही, लेकिन ये पहले आए या बाद, तो ये हो जाएगा सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो ये देखिए इसको इतना लिख सकते सी प्लस बी और डी प्लस ए, तो इतना हमें इससे मिल गया ये स्टूडेंट्स, तो दोनों सेम चीज़ हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसटिप की, तो ये स्टूडेंट देखिए ट्रांसटिप में क्या होगा, ट्रांसटिप की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर से जो हमें फाइंड होगा वो होगा ए सी बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ये पेयर के फॉर्म में दिए हैं ए बी ऐसे, तो अब इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये स्टार्टिंग ये इसका जो है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स ए बी रिलेटेड टू सी डी, क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, ये होगा स्टूडेंट्स। अब ए बी रिलेटेड टू सी डी, इससे हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, देखिए ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड, और इससे क्या मिलेगा सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, ये मिल जाएगा स्टूडेंट सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, इसको और इसको स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे, तो बाई एडिंग जो है ये देखिए हमें क्या मिलेगा, तो ये लेफ्ट लेफ्ट के ऐड कर देंगे, तो ए प्लस डी सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब स्टूडेंट ये डी से डी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, ए प्लस एफ इज इक्वल टू, चूँकि इससे हमें क्या फाइंड होगा स्टूडेंट्स ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, इससे हमें मिलेगा ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो ये देखिए ए बी रिलेटेड, तो ए प्लस एफ और बी प्लस ई, तो ये स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं ए बी रिलेटेड टू ई एफ, सो आर इज ट्रांसटिव। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आर इज ट्रांसटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमें करने हैं, थोड़ा सा समझ बूझ करके स्टूडेंट सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है सो दैट, ये दिया है कि आर इक्वल टू वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री और ये वन कॉमा टू। अब इसको स्टूडेंट बताना है इज रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक, कि ये हमारा ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव क्यों है, ये क्वेश्चन है इसका, तो रिफ्लेक्सिव क्यों है, चूँकि वन कॉमा वन है, ये रिफ्लेक्सिव क्यों है, देखिए रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब ए ए बिलोंग्स टू, ये डेफिनेशन होती है इसकी कि ए ए बिलोंग्स टू आर हो, तब इसमें वन कॉमा वन भी है स्टूडेंट्स, टू कॉमा टू भी है और थ्री कॉमा थ्री भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि वन वन, टू टू और थ्री थ्री ये बिलोंग्स करते हैं आर को, सो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब इसके बाद ये कह रहा है कि ट्रांसटिप भी है,
तो देखिए ट्रांसटिप क्यों होगा, चूंकि ट्रांसटिप की डेफिनेशन थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर से अगर हमें ए सी बिलोंग्स टू आर फाइंड हो जाए स्टूडेंट। तो अब देखिए ये हो गया, अब इसको ट्रांसटिप दिखाना है। तो ए बी, अब ये हो गया मान लीजिए ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो देखिए ए बी और बी सी से हमें ए सी फाइंड करना है 1,2, तो ये 1,2 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये चूँकि इस तरीके से कि 1,1 बिलोंग्स टू आर एंड 1,2 बिलोंग्स टू आर से हमें 1,2 बिलोंग्स टू आर जो है वो फाइंड हो जाता है। ये देखिए ए बी बी सी, तो ए बी और बी सी से हमें ए सी मिलेगा ये 1,2, तो ये दिया हुआ है स्टूडेंट। तो ये ट्रांसटिप हो गया। अब बात करते हैं रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए स्टूडेंट्स देखिए हमें ए बी बिलोंग्स टू आर से बी ए बिलोंग्स टू आर फाइंड करना है। तो अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स 1,2 तो दिया है जी ए बी, लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं दिया, मतलब 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये स्टूडेंट्स को सिंपल से क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सो दैट आर इज इक्वल टू, अब ये स्टूडेंट्स 1,1 दिया, 2,2 है, 3,3 है, 1,2 है, 2,1 है, 2,3 है और 3,2 है, इतने दिए गए स्टूडेंट्स। अब ये हमें दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। तो अब स्टूडेंट इसमें देखिए 3 से ज़्यादा नहीं है, तो हमें 1,1 भी मिल रहा, 2,2 भी मिल रहा, 3,3 भी मिल रहा। अगर हम ए की बात करें स्टूडेंट, तो इसका ए क्या होगा, 1,2,3 होगा, 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो देखिए जब ये है तो 1,1 भी है, 2,2 भी है और 3,3 भी है, तो ये दिए गए हैं, तो हम ऐसे ही इसको लिख देंगे। यानी रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लिखेंगे कि 1,1 और 2,2 3,3 बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया स्टूडेंट्स। अब सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में हमें उसका अगर हम 1,2 लेते तो 2,1 उसमें होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1,2 है और यहाँ 2,1 है, यहाँ 2,3 है और यहाँ 3,2 है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। तो इसमें हम यही लिख देंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं ट्रांसटिप की। तो ये कह रहा कि ट्रांसटिप नहीं है, हर कंडीशन में होना चाहिए। तो देखिए 2,3 और 3,2 यानी ए बी और बी सी, ए बी और बी सी से ए सी, तो 2,2 मिल तो रहा है इसमें स्टूडेंट्स, ये कह रहा है बट नॉट ट्रांसटिप। तो इसमें जो है 1,2 ए बी बी सी, तो ये हो गया ए बी बी ए बी और ए बी सी डी, ए बी और ए बी बी सी, यानी इसकी जो डेफिनेशन होगी ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर से ए सी बिलोंग्स टू आर स्टूडेंट्स हमें मिलना चाहिए इसमें। तो इसमें कह रहा है नॉट ट्रांसटिप, तो ये तो ट्रांसटिप तो है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1,2 2,1 है, ए बी बी सी तो ए सी, तो 1,1 मिलेगा, यहाँ 2,3 और 3,2 है, ए बी और बी सी तो ए सी 2,2 भी मिलेगा, बचा क्या 1,1 और 1,2, तो 1,2 मिलेगा।
तो ये स्टूडेंट यस ये ट्रांसटेप भी है, नॉट नहीं आएगा, तो ये ट्रांसटेप भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें अब देखिए ये हो जाएगा कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, तो ए बी और बी सी से, तो ये हो जाएगा 1, 1 बिलोंग्स टू आर। अब अगर हम ये लेते कि 2, 1 बिलोंग्स टू आर और 2, 3 बिलोंग्स टू आर, अच्छा ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ए बी बी सी ये नहीं मिल रहा है। अब स्टूडेंट्स ए बी यानी अगर देखिए 2, 3 बिलोंग्स टू आर और ये हो जाएगा 3, 2 बिलोंग्स टू आर, तो अब ए बी और बी सी तो ये आ जाएगा 2, 2 बिलोंग्स टू आर। अब स्टूडेंट इसमें ये ट्रांसटेप नहीं है, क्यों नहीं है देखिए कि इसमें एक्चुअल में अगर हम 1, 2 और बिलोंग आर करता है और 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, तब देखिए ए बी और बी सी, तो इसमें जो स्टूडेंट्स 1, 3 नहीं दिया गया है, इसमें क्या नहीं है 1, 3 नहीं है, तो 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांसटिव। ये स्टूडेंट तो आर क्या होगा ट्रांसटिव नहीं होगा इन दो कंडीशन में, इस कंडीशन में भी है इस कंडीशन में भी है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें ये ट्रांसटिव नहीं हो रहा है, तो आर इज नॉट ट्रांसटिव। तो इस तरीके से इसको बड़े ध्यान से स्टूडेंट्स करना है।